हाय लवलीज, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरजे महक और आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल 5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूं, ऐसे हैबिट्स जो मैंने मेरी लाइफस्टाइल में चेंज किए जिससे मेरी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्लीप साइकिल में जो भी डिस्टर्बेंस था उसे मैंने कैसे दूर किया और अब मैं बहुत ही अच्छी और डीप स्लीप लेती हूँ। सबसे पहले मैंने जो हैबिट चेंज की वो ये है कि सोने से पहले मैं मेरे मोबाइल फ़ोन को साइड में रख देती हूँ। पता है पहले मैं क्या करती थी कि सोते सोते ना, ऐसे हम सब करते हैं, सोते सोते ऐसे मोबाइल फ़ोन में हम रहते हैं और फिर हमारा हाथ बिल्कुल ऐसे होता है। तो सोने से पहले ना हमारा माइंड एकदम शांत होना चाहिए। तो हम क्या करते, देखते ही रहते हैं किसने क्या अपलोड किया, इंस्टाग्राम पे क्या है, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं, अरे इसने तो अनफॉलो कर दिया, अरे इसका तो ये हो गया। तो जब सोते वक्त हमारे माइंड को जो शांति चाहिए, पीस चाहिए, उसकी बजाय हम उसे बहुत सारा काम कराते हैं। तो माइंड एकदम एक्टिवेट हो जाता है जबकि वो शांत होना चाहिए, तभी हमें नींद आएगी। तो हम उसका ऑपोजिट कर देते। फिर आँखें हैं, आँखों के नंबर भी मेरे थोड़े से बढ़ गए और ब्लर दिखता है दूर का, तो चश्मे भी नंबर आ गए मेरे। तो सोने से पहले आपको आपका मोबाइल फ़ोन है वो आप साइड में कर दो, तभी आपको अच्छी सी नींद आएगी। सेकंड जो मेरा बदलाव है वो मैंने किया, मेरा पिलो है उसे मैंने चेंज कर दिया। फाइनली एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मुझे मिल गया, वो पिलो है ये स्लिप्सिया माइक्रोफाइबर पिलो। तो चलिए मैं आज आपके साथ इसे अनबॉक्सिंग करती हूँ। तो ये आउटर पैकेजिंग आपने हटा लिया, तो ये इस तरीके से आता है। आप जैसे इसे हटाओगे और ये बैग रिमूव करोगे तो ये इस तरीके का ये पिलो बन जाता है। और देखिए काफ़ी फ्लफ़ी है, बहुत ही अच्छी सी साइज़ है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है पर हल्का फुल्का या चीप भी नहीं है। तो चलिए मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ। स्लिप्सिया प्रेजेंट्स अ प्रीमियम क्वालिटी माइक्रोफाइबर पिलो, अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू डाउन पिलोज। इसके बेनिफिट्स की बात करें, तो ये बेबी सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ब्रीदेबल एंड कूल है। एंड मुझे सबसे इम्प्रेसिव बात लगी वो ये कि ये क्रुएल्टी फ्री है, सिंपल स्लीक, बहुत ही सिंपल एंड स्लीक डिज़ाइन है। बेनिफिट्स की बात करूँ तो हमारे स्किन और हेयर डैमेज को मिनिमाइज़ करता है, और जो लोग भी ब्यूटी कॉन्शियस हैं उन्हें तो ये बात कुछ ज़्यादा इम्प्रेस कर जाएगी। एंड फर्म है, हमारे नेक को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। आप चाहे कोई भी पोजीशन में सोते हो, आपकी नेक को बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलेगा। इसकी फर्मनेस को भी ये बढ़ाता है ताकि हमारा जो नेक को सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। व्हाई यू शुड ब्रिंग होम अ माइक्रोफाइबर पिलो, बिकॉज इट्स आउटरेजियसली कम्फर्टेबल। Both the down-like fiber and pillowcases enhance inner ventilation so that the hot air escapes out and the pillow stays cool all night. ये दिखता तो अच्छा है, साथ में फीलिंग भी बहुत अमेजिंग देता है, बिकॉज इट इज़ मेड विथ down-like microfiber. The microfiber pillow reinforces support to your neck so that जब आप सुबह उठो तो आपकी नेक पेन नहीं करेगी और आप काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ उठोगे। इसका पिलो केस है वो भी काफ़ी लग्जरी है। अनलाइक कॉटन, द लग्जरी मॉडल फैब्रिक इज पिलिंग रेसिस्टेंट येट जस्ट एज ब्रीदेबल। द मॉइस्चर विकिंग एबिलिटी ऑफ द फैब्रिक कीप्स द पिलो सरफेस ड्राई, ताकि मॉइस्चर ज़रा भी कलेक्ट नहीं होगा और उसका जो सॉफ्टनेस हाइजीन है वो मेंटेन रहेगा। इट्स ईजी टू क्लीन, जो हमेशा हमें सवाल रहता है। तो आप सिंपली इसे वॉशिंग मशीन में पिलो केस के साथ ही डाल सकते हैं और आप इसे वॉश करके सनलाइट में सुखा सकते हैं ताकि इसके अंदर जो भी डस्ट या कुछ भी हमारा पसीना एक्सेट्रा कलेक्ट हुआ होगा वो क्लीन हो जाएगा। जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि उसका लुक कैसा है। तो आप देख रहे हो कि ये पिलो कितना एलिगेंट दिखता है, बहुत ही ज़्यादा स्लीक है। इसका डिज़ाइन आप देखोगे, जो रेडिएंट सैटिन फैब्रिक है विच स्पाइसेस अप द सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक लुक ऑफ दिस पिलो टू एम्बेलिश योर बेडरूम।
एंड सबसे खुशी की बात कि ये माइक्रोफाइबर पिलो मेड इन इंडिया है, तो आपको लग्जरी फीलिंग और बहुत ही क्लासी लुक के लिए एंड कंफर्टेबल नींद के लिए, कंफर्टेबल स्लीप के लिए ये स्लीप्स या पिलो है मैं आपको रेकमेंड करती हूँ। और अब मुझे ना काफ़ी कंफर्ट लगता है और यू नो पेन वेन में और वो सब में भी मुझे बहुत अच्छा है, बहुत ही पीसफुली स्लीप आती है, तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी ये पिलो। और अब जो थर्ड हैबिट मैंने चेंज करी वो ये है कि कंप्लेन्स नहीं करनी है। हम जब सोते हैं ना तब हमारे दिमाग में यही चलता है कि आज मेरे साथ किसी ने क्या बुरा किया, आज उसने मुझे हर्ट किया, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सोते वक्त हमारे मन में होती है, तो ना उसे डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिविटी को याद करने की जगह पे आप ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड अपनाइए। हो सके तो आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल भी लिख सकते हैं, या फिर आप कहीं भी नोट कर सकते हैं, या फ़ोन में भी आप नोट कर सकते हैं कि आज के दिन की सबसे बेस्ट हैप्पी मोमेंट क्या रही, क्या आज अच्छा हुआ आपके साथ, क्या आपको एक हैप्पी रहने का रीज़न मिला, कौन सी ऐसी चीज़ की वजह से आपके फेस पे स्माइल आई। तो ये जब आप हैबिट में लाओगे ना तो देखना आपके मन का जो सारा बोझ है ना वो हट जाएगा, और आपको लगेगा कि आज का आपका दिन बहुत ही अच्छा रहा और कल का दिन उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जो फोर्थ हैबिट मैंने चेंज करी, हम सब इंसान हैं और जब हमें कोई हर्ट करता है, कोई हमारे साथ बुरा करता है ना, हमारे मन में ना एक जैसे कि गांठ बन जाती है, हाँ उनसे हम याद रखते हैं, क्यों नहीं हम अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करें और उन्हें माफ़ कर दें। आप कहोगे मैं उसे मेरे साथ ऐसा किया, इतना बड़ा जो उसने ऑफेंस किया है, गुनाह किया है, वो तो माफ़ी के लायक ही नहीं है, ये वो, मेरे मन में तो बहुत गुस्सा है, नफ़रत है। माफ़ कर दो ऐसे लोगों को जो लोग आपको हर्ट करते हैं, परेशान करते हैं। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल बात है, ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हमें लगता है, लेकिन एक बार ट्राई कीजिए। आपको किसी को माफ़ करना है इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, आप बुरे हो, आप उनसे कहीं कम हो, नहीं। आप अपनी मन की शांति के लिए, अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए लोगों को माफ़ कर दो, तो आप अपने आप को इस तरीके से इतना बड़ा बना लो और छोड़ दो ऐसे लोगों को। हमारा इतना छोटा सा दिमाग होता है, इतना छोटा सा दिल होता है, और कितने लोगों का ये सारा पेन है, ये सारा दुख है, ये तकलीफ है, उसका बोझ ले लेकर कितना थकोगे। छोटी सी ज़िंदगी है, उसे एंजॉय कब करोगे, अब यही बर्डन लेके चलते जाओगे, तो ये बर्डन को यहीं पे छोड़ दो, माफ़ कर दो उन्हें। और फिफ्थ मैंने हैबिट जो चेंज की, मैं और ज़्यादा धार्मिक और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई। आप जो कोई धर्म में है, आप जो कोई भगवान में विश्वास करते हैं, हम सब जानते हैं कि एंड में तो भगवान एक ही है, सबका मालिक तो एक ही है, ऊपर वाला, ठीक। आप जिसमें विश्वास करते हैं उनका कुछ छोटा सा पढ़िए, या फिर आप सुनिए यूट्यूब पे, आपको जैसा ठीक लगे वैसा प्रे कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, तो थोड़ा सा आप धार्मिक बन जाइए। कर्मा में आप थोड़ा सा बिलीव कीजिए कि उनको बद्दुआ दे दे के, उनके लिए नेगेटिव सोच सोच के हम अपना कर्म क्यों ख़राब करें। देखना ये प्रेयर्स में ना बहुत ताकत होती है, जब कोई रास्ता नहीं होता है ना तो आप प्रेयर्स को आप अपना बना लीजिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। एंड स्लीप्स या जो पिलो है उस प्रोडक्ट लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेकआउट करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।